हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण त्रिपाठी और आज हम लोग फिर से बात करने आए हैं हार्मोन पे। सबसे पहले एग्रीकल्चर एजुकेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर करना ना भूलिए। अभी तक हम लोगों ने कुछ डिस्कशंस किया है लास्ट वीडियो में, जैसे ग्रोथ पे डिस्कशन किया था, डेवलपमेंट पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, फेजेस पे डिस्कशन कर लिया है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट पे डिस्कशन हम लोगों ने किया है, ग्रोथ हार्मोन्स पे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सिन के बारे में मैं आपको बेसिक से समझाते हुए चलता हूँ। ऑक्सिन वर्ड क्या है, ऑक्सिन वर्ड कहाँ से आया है? तो ऑक्सिन वर्ड जो था वो किसने दिया है, तो वो वेंट ने दिया था। इस वर्ड को देने वाले कोई और नहीं, वेंट थे। और ऑक्सिन को सेपरेट किया था किसने? वेंट ने ही किया था, ठीक है। ऑक्सिन को, ऑक्सिन वर्ड किसने दिया? तो वेंट ने दिया था, एफ डब्ल्यू वेंट ने। और इसको सेपरेट करने वाले भी कौन थे? वही थे। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट पे या अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट पे, ठीक है। तो अवीना कर्वेचर टेस्ट क्या होता है? अवीना कर्वेचर टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब वेंट ने क्या किया था, अवीना सटाइवा यानी जौ का प्लांट यूज़ किया था, किसके लिए? टेस्ट करने के लिए, ऑक्सिन के, ऑक्सिन का टेस्ट करने के लिए। उन्होंने कौन से प्लांट का यूज़ किया था? तो उन्होंने ओट के प्लांट को यूज़ किया था। किस लिए? टेस्ट करने के लिए कि ऑक्सिन का कैसे यूज़ होता, मतलब ऑक्सिन कैसे वहाँ पर वर्क करता है। तो उन्होंने जब इसका यूज़ किया, तो जिस प्लांट का यूज़ किया था वो अवीना सटाइवा था। तो उन्होंने जिस उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया अवीना कर्वेचर टेस्ट या अवीना सटाई अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऑक्सिन? तो ये एक कंपाउंड होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, कोलियोप्टाइल टिश्यू पे। कहाँ पे? प्लांट्स के कोलियोप्टाइल टिश्यू पे, यानी वो टिश्यूज़ जो कि ग्रोथ करने के लिए हमेशा, मतलब जो टिश्यूज़ हमेशा ग्रोथ करती हैं, उन टिश्यूज़ को हम कोलियोप्टाइल टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर नहीं समझ में आया तो आप लास्ट वीडियो देख कर समझ सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसका नाम पड़ने की एक और वजह थी, वो वजह यह थी कि ये हमेशा प्रमोट करता रहता है। किसको प्रमोट करता है? प्रमोट करता है कोलियोप्टाइल टिश्यू को, और वहीं से इलोंगेट भी करता है। तो इसकी वजह से इसका नाम ऑक्सिन पड़ा, ठीक है। ऑक्सिन नाम पड़ने की वजह इसके पास, क्योंकि ये हमेशा प्रमोट करता था या इलोंगेट करता था, किसको? कोलियोप्टाइल टिश्यू को। देखिए, दो टाइप के आपके ऑक्सिन होते हैं, एक नेचुरल सिंथेटिक, एक नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल वो जो कि प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल ऑक्सिन कहते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन जो हम लोग बाहर से देते हैं वो सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। तो नेचुरल ऑक्सिन का एग्जांपल क्या है? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, क्या है? नेचुरल ऑक्सिन है। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन से हैं? सिंथेटिक ऑक्सिन देखिए पाँच टाइप के हैं, ठीक है। इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपोनिक एसिड, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोनोफेक्स फेनोक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, मैलिक हाइड्राजाइड MH। देखिए, मैलिक हाइड्राजाइड की कुछ ये एंटी ऑक्सिन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। एंटी ऑक्सिन प्रॉपर्टी जो है, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा एंटी ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन क्या होता है। बस इसको मोटा मोटी समझिए कि मैलिक हाइड्राजाइड ये इसके अंदर एक एंटी ऑक्सिन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ऑक्सिन को हम जब डिवाइड करते हैं, जब इंडोजीनियस ऑक्सिन को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये दो कैटेगरी में होता है। किसको? इंडोजीनियस यानी जो अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उन ऑक्सिन्स को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप के ऑक्सिन्स में। एक होता है फ्री ऑक्सिन, दूसरा होता है बॉन्ड ऑक्सिन। फ्री ऑक्सिन क्या होता है? फ्री मतलब वो हमेशा फ्री होते हैं, वो किसी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं कुछ भी करने के लिए, वो सक्षम होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। बॉन्ड ऑक्सिन क्या होते हैं?
तो बॉन्ड ऑक्सिन क्या होता है, ये हमेशा किसी ना किसी दूसरे दूसरे एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं, या तो एंजाइम इसके साथ होगा या फिर एंटी ऑक्सिन होगा। एंटी ऑक्सिन के साथ हमेशा कौन जुड़ा रहता है, ऑक्सिन होता है। इन दोनों के साथ ऑक्सिन जुड़ा होता है, या तो ऑक्सिन प्लस एंजाइम होगा या ऑक्सिन प्लस एंटी ऑक्सिन होगा, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये फ्री नहीं होते कुछ, मतलब कुछ काम करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है कि मैंगो में, आम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आम में ऑक्सिन का जब यूज़ कर देते हैं, NAA का, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, NAA का यूज़ करेंगे हम, तो क्या होगा, वहाँ पर आप रूटिंग नहीं देखेंगे, वहाँ पर रूटिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सिन पहले से प्रेजेंट होता है, वो बॉन्ड ऑक्सिन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिन का पोलर ट्रांसपोर्ट, यानी क्या होता है कि ऑक्सिन जो है हमेशा कहाँ पाया जाता है, पोलर पे पाया जाता है, प्लांट के पोलर साइड पे, वो हमेशा अप से डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है। जैसे आपका जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, प्लांट है, कोलियोप्टाइल टिश्यू है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सिन जो है, यहाँ से जो ऑक्सिन होगा, मान लीजिए ऑक्सिन है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से मूव करेगा डाउनवर्ड, कहाँ पे, नीचे की तरफ। तो ये क्या हुआ, पोलर ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा ऑक्सिन में, यानी जहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से हमेशा डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा, जहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस हमको देखने को मिलता है किसमें, ये हमको टोबैको में देखने को मिलता है। टोबैको में देखने का पर्पस क्या है, मतलब क्या होगा कि आपका जो प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है, इसके हमेशा ऊपरी पार्ट में, हमेशा अपर साइड में ही ग्रोथ होता रहेगा। जब तक अपर साइड में ग्रोथ होगा तो क्या होगा, हमेशा इसके अपर साइड में ग्रोथ होगा तो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि हम ये ऊपर के साइड मूवमेंट करता जाएगा, तो आपकी जो लेटरल साइड है, यानी इधर का पत्ती जो है वो क्या होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आपकी पत्तियाँ अच्छी नहीं होंगी। तो टोबैको में हम लोग क्या करते हैं कि अपर साइड जो होता है, इस साइड को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेटरल साइड होता है, इसको हम लोग टूपिंग या डीसकरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसलिए करते हैं कि ये ऊपर वाला साइड जो हो रिमूव हो जाए, जब ये रिमूव हो जाएगा तो आपका जो प्लांट है ये साइड से ग्रोथ आसानी से करेगा। जब ये साइड से ग्रोथ आसानी से करेगा तो इसकी जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा होंगी और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि ये सारा जो इम्पोर्टेंस है, सारी एनर्जी जो है हमेशा ऊपर की तरफ यूज़ होती जाएंगी, और यह ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ऊपर की तरफ जब बढ़ेगा तो कोई यूज़ नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेटरल जो होता है साइड, इसका यूज़ ये बढ़ेगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखिए, प्लांट में बहुत टाइप के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में क्या फ़ायदा होता है प्लांट में, सेल डिवीज़न का हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे ये क्या करता है कि जो टिश्यू होती हैं, कैम्बियम की टिश्यूज़ होती हैं, तो वो क्या करेंगी, जो आपकी कैम्बियम टिश्यू है वो क्या, मतलब जैसे कि मान लीजिए प्लांट है ये, ठीक है, इसके बाहरी साइड पर, यानी आउटर साइड पे किसी भी तरीके से आप चोट लग जाता है, ठीक है, तो इसका जो घाव है इसको भरने के लिए ऑक्सिन जो होता है वो बहुत हद तक यूज़फुल होता है। ये सेल डिवीज़न के थ्रू, जब सेल डिवीज़न होता है तो यहाँ पर ये ऑक्सिन के थ्रू ये क्या होगा, घाव भर जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसी का बेस्ट वे में समझने के लिए, हम लोग प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट में हम लोग करते ये हैं कि जैसे मान लीजिए हमें न्यू प्लांट, इसका यूज़ मैक्सिमम कहाँ पे है, इसका यूज़ आपका जो होता है ग्राफ्टिंग में यूज़ होता है। ग्राफ्टिंग में कैसे यूज़ होता है,
जैसे मान लीजिए हम लोग ये एक प्लांट किसी और प्लांट का पार्ट है, ये किसी और प्लांट का पार्ट है, ये दोनों में क्या हुआ, अलग हो गया। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीन का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑक्सीन यूज़ करते हैं। जब ऑक्सीन यूज़ करेंगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होगा तो इसका घाव जो होता है वो आसानी से और जल्दी भर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑक्सीन यूज़ होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन क्या होता है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है सेल इलोंगेशन से, यानी सेल के बढ़ाव से। जब सेल बढ़ती जाती है तो वहाँ पे प्लांट का डेवलपमेंट भी होता है इसके ऑक्सीन की हेल्प से। इनहिबिशन ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स के इनहिबिशन से, जैसे आपका पोटैटो का ट्यूबर्स है, ठीक है, तो वो डॉर्मेंसी पीरियड में रहेगा। अगर उस पर आप IBA इंडोलब्यूटेरिक एसिड या NAA या फिर मैलिक हाइड्राजाइड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो बर्ड होती हैं वो क्या करेंगे, वो ग्रोथ नहीं करेंगे, वो वहीं रुक जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इसका यूज़ फ़ायदा मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आपको लेटरल बर्ड्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि ठंडी के दिनों में जब न्यू बर्ड्स प्लांट्स की जो न्यू बर्ड्स होती हैं वो निकल रही होती हैं और उस समय पाला पड़ जाए तो वो क्या होगी, मुरझा जाएंगी, मर जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम लोग NAA का यूज़ भी कर लेते हैं, IBA का यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो लेटरल बर्ड्स जो होती हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाए, डिलेड हो जाए, वो बर्ड्स अभी फॉर्म ना हो। जब पाला हमें लगता है कि ठंडा पड़ने जा रहा है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं NAA, IBA वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ डिले कर जाए। और इसका हम लोग को फ़ायदा मिलता है कि प्लांट जो होती है उसको पाले से बच जाती हैं, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, इंटरनोड्स की शॉर्टनिंग का क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, शॉर्टनिंग कर देते हैं इंटरनोड्स। आपको मालूम है शायद मैंने लास्ट बताया था आपको, जैसे मान लीजिए प्लांट्स के, जैसे ये एक पत्ती, दो पत्ती, ये क्या है, कई सारी लीव्स हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, ये जो है ये क्या इंटरनोड्स है, इन दोनों के बीच का जो इंटरनोड्स है अगर ये डेवलप नहीं करेगा तो क्या होगा, प्लांट जो होगा वो नाटा रह जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों का बीच में अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो प्लांट क्या रहेगा, नाटा हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या इसका यूज़ करते हैं, अल्फ़ा नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, अल्फ़ा NAA का यूज़ करते हैं, ठीक है। रूट इनिशिएशन के लिए भी हम लोग ऑक्सीन का यूज़ करते हैं, कैसे, तो ऑक्सीन जो होता है वो पोलर ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट की डेवलपमेंट भी ऑक्सीन ही सिंथेसाइज्ड करता है, ऑक्सीन ही कंट्रोल करता है। एब्सिशन लेयर, व्हाट इज एब्सिशन लेयर, देखिए एब्सिशन लेयर में होता यह है कि प्लांट जो होती है आपकी, जैसे फ्लावर मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे फ्रूट है, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये ट्री प्लांट है, इस पर यहाँ पे एक फ्रूट लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, एब्सिशन लेयर जब फॉर्म होता है तो ये क्या होता है, प्लांट यहाँ से अलग हो जाता है, जो फ्रूट होता है वो आपका टूट के गिर जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीन का यूज़ करते हैं, ताकि ये चीज़ जो इसको रोका जा सके, इसको डिले किया जा सके। तो अलग करने के लिए, फ्रूट्स को अलग करने के, मतलब अलग होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2,4-D या IAA इंडोल एसिटिक एसिड या नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं ताकि इसको रोका जा सके, ठीक है। फ्लावर इनिशिएशन के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फ्लावर इनिशिएशन का क्या मतलब होता है, फ्लावरिंग को रोक देते हैं, और जिसकी वजह से फ्लावरिंग में देर होता है, ठीक है। पार्थनोकार्पिक फ्रूट की भी डेवलपमेंट हम इसके साथ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीज रहित हमें सीड, विदाउट सीड हम लोगों को कोई फ्रूट डेवलपमेंट करना होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीन का यूज़ करते हैं। वीड कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट हम लोग क्या है, 2,4-D यूज़ करते हैं, 2,4-D, ठीक है। ये 2,4-D का यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग वीडिसाइड में करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि आपका
प्लांट का जो सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो डेड कर जाता है। ठीक है, थैंक यू।